हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए हिमाचल की फ़ेमस डिश लेके आई हूँ जिसका नाम है पटीड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ तो वीडियो में आपको सबसे पहले मैं बताऊंगी कि हम इसका बैटर कैसे तैयार करेंगे तो सो या वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहती हूँ कि ये मैं मैंने नहीं बनाया है ये मेरी मदर इन लॉ ने बनाया है ठीक है ना तो सबसे पहले हमने अपने इंग्रेडिएंट्स में से लिया है बेसन और उसके बाद उसमें ऐड किया है जीरा पाउडर जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ब्लैक सॉल्ट और उसके बाद हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगी कि यहाँ पे आम का अचार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है क्योंकि ये जो पतीड़ होते हैं ये हमारे गले में लगता है क्योंकि अरबी के पत्ते में कुछ ऐसी क्वालिटी होती होगी जो वो हमारे गले में लगती है तो उससे बचाता है आम का अचार का ये जो तेल होता है और उसका थोड़ा सा जो ये मसाला है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद जो हमारे नॉर्मल मसाले होते हैं वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे ठीक है ना एंड देन इसके बाद हमने इसमें ऐड किया है हींग और अजवाइन हींग और अजवाइन इसलिए ऐड करते हैं जिससे कि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ सा हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे और आप देख सकते हैं किस तरह से हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो आप भी अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें और तो आप देख लें कुछ इस तरह का ही पेस्ट होना चाहिए इस तरह का कलर होना चाहिए तरफ हमने अपना स्टीमर रख दिया है पानी गर्म होने के लिए तो हम यहाँ पे अब बढ़ते हैं अब अपने पतीड़ के लिए तो यहाँ पे हमने लिया है सबसे पहले अरबी के पत्ते अरबी के पत्तों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है अपने हैंड भी अच्छे से वॉश कर लें काम करने से पहले तो अरबी के पत्तों में से जो वो मोटी सी स्टेम होती है वो हमने कट कर ली है और उसके बाद हम यहाँ पे जो हमने बैटर तैयार किया था वो हम इस पर स्प्रेड कर रहे हैं तो जो सबसे फर्स्ट लेयर का जो फर्स्ट वाला पत्ता हमने लेना है अरबी का वो हम थोड़ा सा बड़ा साइज़ में लेंगे उसके बाद छोटे साइज के पत्ते भी चलेंगे तो आप ये देख लें कि हमने इसको किस तरह से लगाना है जो हमने पहला पत्ता लिया था वो बड़ा होगा उसके बाद छोटे वाले चलेंगे और उनके उसके बाद जो इनकी साइड्स रखनी है वो हमने ऑल्टरनेटिव साइड्स रखनी है जैसे फर्स्ट लेयर का मुंह दूसरी साइड है तो दूसरे पत्ते का मुंह दूसरी साइड होना चाहिए इस तरह से हम इसके पत्तों में लेयर्स लेयर्स लगाते रहेंगे और हमने कम से कम फोर टू तो फाइव लेयर्स हमने ये तैयार करनी है इस तरह से आप देख लें एक पत्ते का मुँह इस साइड है एक पत्ते का मुँह दूसरी साइड है और वैसे ही हम इसके ऊपर सारी अपनी बेसन की परत लगाते रहेंगे जो हमने बैटर तैयार किया है तो अब ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये बिल्कुल भी मत स्किप करना कि ये हमने किस तरह से हमने इसकी लेयर्स बनानी है और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप वो था आम का अचार वाला तो मैंने आपको बता दिया वो भी बिल्कुल स्किप मत करना वरना आपके गले में लगेगा फिर आप मुझे मत बोलना कि मैंने एक ऐसी रेसिपी बताई है ठीक है ना और उसके बाद हम इसको किस तरह से फोल्ड करेंगे ये आप देख लें अच्छी तरीके से पहले हमने एक साइड का फोल्ड किया उसके बाद उसमें हमने परत लगाई और उसके बाद दूसरी साइड का फ़ोल्ड किया उसके बाद हमने उसमें बेसन लगाया फिर उसके हमने बाद रोल करते चले गए उसके बाद हमने उसको स्टीमर में रख दिया एक बार फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से करना है गलती मत करना रोल करने में और बनाने में तो आप देख लें कि सबसे पहले लेयर पे हमने लगाया पेस्ट उसके बाद हम सेकेंड पत्ता लेंगे उसका मुँह दूसरी साइड रखेंगे फिर हमने बेसन का ये जो हमने पेस्ट तैयार किया है वो हमने लगाया ऐसे ऐसे करके हम फोर टू फाइव लेयर्स बना देंगे और उसके बाद हमने एक साइड की लेयर को इस तरह से इसको कवर किया उसके बाद हमने इसकी बेसन की लेयर लगाई फिर दूसरी साइड से इसको कवर किया जिससे कि ये बंद हो जाए खुले ना और उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसको रोल करते चले जाएंगे रोल करने के बाद जो सबसे लास्ट वाला जो ये अब हमारा परत होगा इसमें भी हम हल्का सा बेसन का अपना लेप हल्का सा लगा देंगे जिससे कि ये चिपक जाए खुले ना और इसको स्टीम करने के लिए रख देंगे स्टीम करने के लिए आप ट्वेंटी टू ट्वेंटी फ़ाइव मिनट्स के लिए रखें और अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो आप नाइफ़ से चेक कर लें अगर आपका कच्चा होगा पतीर तो उसमें एक अलग सी वॉइस आएगी आपको अलग सी आवाज़ आएगी कच्चेपन की और अगर आपका पक जाएगा तो उसकी आवाज़ अलग होगी ठीक है ना अब हमारे ये पक चुके हैं हम देखिए है। ये नाइफ से चेक कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए ही और इसके बाद मैं आपको ये इसीलिए दिखा रही हूँ कि कच्चे बन वाले की जो आवाज़ होती है वो अलग होएगी और पके वाले की अलग होएगी और ये आप देख सकते हैं हमारी जो पतीड़ है वो रेडी हो गए हैं स्टीम हो चुके हैं हमारे अच्छी तरीके से तो अब जो अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप इस तरह से खा सकते हैं नहीं तो आपको पूरा मज़ा लेना है तो आप इसको फ्राई कर लें ठीक है ना स्टीम uh, होने के बाद हम इसको हल्का सा फ्राई uh, कर देंगे और इसके बाद आप इसे कैचअप चटनी जिसके साथ आपका मन करे उसके साथ खा सकते हैं रोटी के साथ खाना चाहें रोटी के साथ भी खा सकते हैं और ये हमारे पतीर बन के रेडी हो गए हैं आप इसे ज़रूर ट्राई करना और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो मिलती हूँ मैं आपको दूसरी अलग सी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय